एचपी लाइट डेस्क 800 G2 SFF। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल इसकी प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये पावर केबल प्लग इन की है मैंने, ये पावर वाला बटन में पुश करता हूँ, टर्निंग ऑन हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दफ़ा पावर बटन पे रेड लाइट जो है ना ब्लिंक कर रही है और स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। यही प्रॉब्लम आ रही है, जैसे इसको टर्निंग ऑन करते हैं ये रेड लाइट ब्लिंक करती है, इसकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। और ये बैक के ऊपर इसकी सप्लाई का फ़ैन ऑन है और ये प्रोसेसर वाला एरिया में इसका फ़ैन ऑन नहीं है, ठीक है। तो चलें चेक करते हैं इसको प्रॉब्लम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नए इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एचपी का पीसी है, एचपी लाइट डेस्क 800 G2 SFF। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल इसकी प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये पावर केबल प्लग इन की है मैंने, ये पावर वाला बटन में पुश करता हूँ, टर्निंग ऑन हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दफ़ा पावर बटन पे रेड लाइट जो है ना ब्लिंक कर रही है और स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। यही प्रॉब्लम आ रही है, जैसे इसको टर्निंग ऑन करते हैं ये रेड लाइट ब्लिंक करती है, इसकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। और ये बैक के ऊपर इसकी सप्लाई का फ़ैन ऑन है और ये प्रोसेसर वाला एरिया में इसका फ़ैन ऑन नहीं है, ठीक है। तो चलें चेक करते हैं इसको प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले इसका ये सीमोस जो सेल है, बिस्मिल्लाह, ये उतार लेंगे, ये सेल उतार लिया हमने। उसके बाद ये इसकी रैम उतार लेंगे, बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये रैम भी उतार ली हमने। तो ये सीमोस सेल आपने उतारा है, ये मदरबोर्ड की जो फैक्ट्री रीसेट सेटिंग है वो रीसेट हो गई है। अभी ये रैम की जो है ना आपने सफाई कर लेनी है, ये कार्बन आया हुआ है, ठीक है, तो ये रैम की हम सफाई कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको ये स्लॉट जो है ये स्लॉट भी साफ़ कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, देखिए ये स्लॉट साफ़ हो गई है, अब ये रैम भी साफ़ कर लेंगे रेजर से या पेट्रोल से, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे ये साफ़ कर लेंगे। ये चेक करें कि कार्बन आया हुआ है इसको, तो ये सफाई कर लेंगे इसकी जी। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये रैम साफ़ कर ली है, ठीक है, तो ये जो कार्बन वगैरह था ये इसका क्लियर हो गया। तो इसको रैम को जो है ना हम लगाएंगे अब डिम वन के अंदर, तो डिम वन ये है इसकी फ्रंट पे। बिस्मिल्लाह, DDR3, बिस्मिल्लाह, ये रैम लग गई है इसकी। तो ये सीमोस आपने नहीं लगाना अभी फ़िलहाल, अभी इसको एक दफ़ा ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह, तो ये ऑन हुआ है, चेक कर रहे हैं, सीमोस निकाला हमने तो ये ऑटो ऑन हो गया, पावर वाली लाइट ऑन है इसकी, पावर बटन की लाइट ऑन है, लेकिन ये फ़ैन इसका ऑन नहीं हुआ प्रोसेसर वाला। चलें, ये ऑफ हुआ है एक दफ़ा, ये दोबारा से ऑन हुआ है, चेक कर लेते हैं। एक से दो दफ़ा इसने ऑन ऑफ होना है, तो ये डिस्प्ले इसका शो होगा, ये चेक कर रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले आ गया। तो बिल्कुल जो है ना ये फ़ैन अभी नहीं चला इसका, क्योंकि ये हीट सिंक इसका गर्म नहीं हुआ। तो ये F1 बूट करूँगा मैं, F1 इसकी विंडो वगैरह ऑन करके चेक करते हैं। ये दोबारा से F1, CPU फ़ैन नॉट डिटेक्ट, ठीक है, फ़ैन का प्रॉब्लम लग रहा है, ये फ़ैन इसका चेंज करना पड़ेगा। दोबारा से F1 करता हूँ, क्योंकि ये मुकम्मल सेटिंग इसने उठानी है, उसके बाद टर्निंग ऑन होना है इसके, तो ये विंडो 7 इसकी लोड हो रही है। नीचे ये विंडो लोड हो गई है इसकी, लेकिन फ़ैन इसका ऑन नहीं हुआ, तो ये हीट सिंक जो है इसका चेंज कर लेंगे ये फ़ैन, क्योंकि ये फ़ैन नहीं चल रहा, तो बकाया विंडो ऑन हो गई है इसकी। अब ये सीमोस इसका चेक करके, तो सीमोस जो है ना इसका
लगा लेंगे, इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं सीमोस के। बिस्मिल्लाह, तो ये 1.8 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट पूरे हैं, ठीक है। सीमोस ओके है इसका, 3 वोल्ट पूरे हैं। ये सीमोस हम लगा लेंगे इसको, बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो बिल्कुल ओके है अभी, अभी इसका सिर्फ फ़ैन रह गया है, फ़ैन चेंज कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।